हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिफ्रेश रेट के बारे में और टच सैम्पलिंग रेट के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना रिफ्रेश रेट हमारे फोन में होना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो रिफ्रेश रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, रिफ्रेश और रेट। रिफ्रेश का मतलब होता है ताजा और रेट का मतलब होता है दर या उसकी स्पीड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी डिस्प्ले में एक सेकंड में वो डिस्प्ले की स्क्रीन जितने बार रिफ्रेश होती है, जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई ऐप यूज कर रहे हैं, हम स्क्रॉल करते हैं तो उसकी जो डिस्प्ले है वो अपने आप को रिफ्रेश करते हुए चलती है, जिससे हमको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। तो एक सेकंड में वो डिस्प्ले की जो स्क्रीन है वो जितने बार रिफ्रेश हो रही है उसे ही हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। रिफ्रेश रेट को हम हर्ट्स से नापते हैं, जिसे लिखा जाता है HZ। आपने बहुत से मोबाइल फोनों में देखा ही होगा कि उसमें लिखा होता है कि ये 60 हर्ट्स का पैनल है। तो इससे इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में उसका जो डिस्प्ले है वो 60 बार रिफ्रेश होता है। वहीं आजकल 2019 और 2020 में रिफ्रेश रेट की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ी है। हम पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, इसमें अगर हम कम रिफ्रेश रेट के पैनल को यूज़ करेंगे या उस पैनल के साथ हम अपने मोबाइल को लेंगे और उसमें हम गेम खेलेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि उसका कहीं ना कहीं वो लैग करेगा, थोड़ा सा वो स्मूथनेस उसमें कम आएगी। और वहीं अगर हम 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ के पैनल को यूज़ करेंगे तो हमें फ़र्क डेफिनेटली पता चलेगा कि ये ज़्यादा उससे स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है, ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, उसका फ्रेम जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। हर एक एक छोटा से छोटा फ्रेम हमको नज़र आएगा, दिखाई देगा, तो हमारी जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अब इसी में ये समझ लेते हैं कि रिफ्रेश रेट कैसे काम करता है। तो नॉर्मल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि रिफ्रेश रेट हमारी स्क्रीन में डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। अब इंस्ट्रक्शन कौन देता है? CPU या प्रोसेसर हमारा। प्रोसेसर प्रोसेस करता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम आपके डिस्प्ले में चलाना है, वो उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये कमांड स्क्रीन को भेजता है और फिर स्क्रीन की जितनी क्षमता होती है, चाहे वो 60 हर्ट्ज़ का पैनल हो, चाहे वो 90 हर्ट्ज़ का पैनल हो, चाहे वो 120 हर्ट्ज़ का पैनल हो, तो जितनी उसकी क्षमता होती है उस हिसाब से वो फिर उसे चलाना चालू कर देता है। उसके बाद हम प्रोसेसर से प्रोसेस की हुई इमेज को या फिर वीडियो को अपनी स्क्रीन में नॉर्मली देख पाते हैं। तो इसे आप इस बात को क्लियरली समझ चुके हैं कि रिफ्रेश रेट कैसे काम करता है। तो ज़्यादा रिफ्रेश रेट के होने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि स्क्रीन स्मूथ चलती है, स्क्रीन में फ्रेम अटकते नहीं हैं, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, स्क्रीन का विजुअल एकदम साफ और क्लीन होता है। कोई भी गेम खेलने में, जो जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं अपन, वो गेम खेलने में स्क्रीन लैग नहीं करता है। इस टाइप से बहुत सारे फायदे हैं इसके। फायदों के साथ साथ हर चीज़ के जब फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अब इसका भी नुकसान हम समझ लेते हैं कि फायदे के साथ साथ कुछ छोटे मोटे नुकसान भी आपको झेलने पड़ेंगे। हाई रिफ्रेश रेट से मोबाइल की बैटरी की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पर सेकेंड ज़्यादा फ्रेम्स आपकी स्क्रीन में चलते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आजकल के मोबाइलों में इतनी बड़ी बड़ी बैटरियां देना चालू कर दिया है कि अब उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है हमको, उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ठीक है भाई, हमको अगर 5000-6000 एमएच की बैटरी मिल रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा कंजप्शन भी हो जाएगा, तो उतना एडजस्टेबल है। इसके बाद ये भी समझ लीजिए कि अगर आप ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन चूज़ करते हैं तो उससे आपके फ़ोन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब इसमें अपन लास्ट मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमें कितने रिफ्रेश रेट का फ़ोन लेना चाहिए। तो ये बात मेन इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपको अपने मोबाइल से क्या काम करवाना है, आपको मोबाइल में क्या क्या यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल यूजर्स के लिए ले रहे हैं तो 60 हर्ट्ज़ का पैनल काफ़ी है, सफिशेंट है। नॉर्मल फ़ोनों में 60 हर्ट्ज़ का पैनल ही आता है जो आपको ठीक लगेगा नॉर्मल टास्किंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, और जो भी आप नॉर्मल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, इतना काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने फ़ोन में एडिटिंग करनी है, ऑनलाइन गेम्स खेलने हैं, इस टाइप के अगर आपको बड़े काम करने हैं जिसमें ज़्यादा फ्रेम्स की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ में शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ हो पाएगी, आपको मज़ा आएगा। 60 हर्ट्ज़ में भी चलता है, नहीं चलता वाली बात नहीं है, सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन
फर्क पता चलेगा कि ये 120 हर्ट्ज है, ये 60 हर्ट्ज है। अब सेकंड टॉपिक में आ जाते हैं, टच सैंपलिंग रेट। रिफ्रेश रेट के बारे में तो फिर भी कुछ लोग जानते ही हैं, लेकिन टच सैंपलिंग रेट बहुत कम लोगों को पता होती है कि एक्चुअल में ये क्या काम करती। टच सैंपलिंग रेट का मतलब है कि एक सेकंड में डिस्प्ले कितनी बार इनपुट को रीड करता है, उसे ही हम टच सैंपलिंग रेट कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि बिना कीपैड के, बिना किसी बटन के आप स्क्रीन को सिर्फ टच करते हैं और टच करते ही वो आप समझ जाता है कि आप इसे खोलना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, आप वो काम करना चाहते हैं, कि आपकी टच को वो रीड करता है। ये प्रोसीजर एक सेकंड में कई बार होता है। इसमें भी वही फंडा है हर्ट्ज वाला, HZ, कि भैया अगर एक सेकंड में टच सैंपलिंग का जो रेट है वो 60 बार अगर उसे रीड कर रहा है तो वो 60 हर्ट्ज हो गया, 120 बार अगर उसे रीड कर रहा है तो वो 120 हर्ट्ज हो गया। तो आप इससे इतना समझ लीजिए कि वो जितनी बार आपके टच को महसूस करने की कोशिश करेगा उसे ही टच सैंपलिंग रेट कहते हैं। तो नॉर्मल भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पैनल में 60 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ है, तो इतना समझ लीजिए कि वो एक सेकंड में 60 बार, 60 टाइम्स ये जानने की कोशिश करेगा कि उसको कोई टच किया है या नहीं किया है। जितना जल्दी वो सेंस करेगा उतना ही जल्दी आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेशन के थ्रू समझें अगर, तो हर 16.6 माइक्रोसेकंड में वो एक बार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कोई उसे टच किया है या नहीं किया है। वहीं कोई पैनल में अगर आपको 120 हर्ट्ज दिया है तो इससे आप ये समझ लीजिए कि वो हर 8.33 माइक्रोसेकंड में ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि उसे टच किया गया है या नहीं। वहीं कुछ फोन ऐसे भी हैं जिसमें बहुत ज्यादा टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ होता है, इससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एक फोन का एग्जांपल दूंगा आपको, रॉक फोन 5, उसमें 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया हुआ है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है। मतलब वो हर 3.33 सेकंड में ये चेक कर रहे हैं कि उसे किसी ने टच किया है या नहीं किया है। जितना जल्दी वो समझ पाएगा कि उसे किसी ने टच किया है उतना ही जल्दी वो प्रोसेसर को भेज पाएगा कि भैया ये काम ये करना चाह रहा है, और प्रोसेसर उतना ही जल्दी प्रोसेस करके उसे वापस स्क्रीन में आपकी शो करेगा। तो इससे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गलतियां होने की चांसेस कम हो जाते हैं। कि मान लीजिए आपने टच किया, अब उसे पता ही नहीं है, वो चेक ही नहीं कर रहा है कि आपने टच किया है या नहीं किया है, तो उसके कैसे पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा बार अगर वो जानने की कोशिश करेगा कि उसे टच किया गया है या नहीं, तो उतना ही कम चांसेस होंगे कि वो आपके फिंगर के टच को मिस कर सके। ये टाइम जितना कम होगा उतना ही बेहतर तरीके से वो आपके टच को सेंस करेगा और उसका रिस्पॉन्स आपको डिस्प्ले में शो कर पाएगा। इससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका फोन बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट के बारे में अच्छे से समझा पाया होगा और आप लोग समझ पाए होंगे। अगर मेरी बातें समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।